press the bell icon on the YouTube app and never miss an Shah ji ne kahi usse tension badhegi nahi aap China aur aapke India ke beech mein नहीं देखिए आरजू जी, अगर मैं अपने आपके घर के बाहर अपनी ना तख्ती लगवाऊं, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो उठा के आप वो तख्ती डस्टबिन में फेंकोगे, आप बोलोगा कि आपके मेरे बीच में टेंशन बढ़ जाएगी, तो उसका क्या करो आप? आपके घर के बाहर तो आपका नेम प्लेट होगा ना, मेरा थोड़ी ना होगा। अगर कोई हमारी जगह का नामकरण करेगा, मैं कह रहा 75 साल बाद वो जगेंगे कि ये जगह हमारी नामकरण करना चाहिए, हमने रिप्यूट कर दिया। आज बापची साहब का स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने बोला भैया ये इमेजिनरी और इन्वेंटेड नाम रखने से कुछ होगा नहीं। और अमित शाह जी ने वहाँ कई सारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, टूरिज्म इंश्योरेंस है, रोड है, इंफ्रा है, डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और तो हमने काफ़ी लोगों को वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए, स्कूल कॉलेजों का 5G कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीफोन कनेक्टिविटी, इस सबको बढ़ा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम करना है। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं हमारे मंत्री, उनका भी बड़ा रोल रहा है, और मोदी जी का तो विजन रहा, मोदी जी काफ़ी बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। और उसके अलावा जो पूरा LEC था, देखिए पहले चाइना ने गलवान से आने की कोशिश की, वहाँ पिटे, फिर उन्होंने तवांग से आने की कोशिश की, वहाँ बहुत पीटा, वो तो वीडियो तो सबने देखे। तो अब ये चाइना को दिन ब दिन अपॉर्चुनिटी विंडो क्लोज होती नजर आ रही है। और चाइना को क्या चाहिए? चाइना को चाहिए एक विन, कहीं भी एक पोस्ट, कोई जमीन ले ले, ताकि बोले हमने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, कि यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसे चलती है, अपोजिशन पार्टियाँ बोलेंगे मोदी जी आपके राज में चाइना ने जमीन खा ली, इसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना के 24 का इलेक्शन लड़े, क्योंकि डेवलपमेंट के प्लैंक में तो उनके पास कुछ नहीं है, डेवलपमेंट की राजनीति वो कर नहीं सकते, जो मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया वो तो 65 साल में नहीं कर पाए थे। अब कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी चीजें चाहिए। और एक और आपको एंगल बता दो, जो शी जिनपिंग है वो बहुत परेशान हो गया, उसका दिन ब दिन जो ऑरा बना था वो डिप्लीट हो रहा है और वो फेल हो रहा है अगेंस्ट इंडिया। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंत में मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। इससे वो बौखलाया हुआ है, he needs a win against India, चाहे एक पोस्ट हो, दो पोस्ट हो, एक चौकी हो, ताकि वो मैच जीत रहा हूँ, क्योंकि दुनिया ये मान चुकी है आरजू जी, PLA वहाँ बैठ के मक्खियाँ मार रही है। PLA 2 साल से कुछ नहीं कर पा रही, 2.5 साल से ऊपर जाते तो पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर लगा के जाना पड़ता है उनको। बिल्कुल, तो वहाँ ना उनके बस का रहना है ना उनके बस का लड़ना है, ये बात वाजे हो गई है। और आज हमारे होम मिनिस्टर कह चुके हैं, अमित शाह जी, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लद्दाख गए थे उन्होंने 2 चीज़ें बोली थी, मुझे अभी याद है, ये कोरोना के आसपास की बात है, बोला देखो हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में फ्लूक बांसुरी है, व्हिच टॉक्स अबाउट पीस, पर दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, बात मानोगे तो मानो, नहीं तो सुदर्शन चक्र वाला ऑप्शन भी है। तो अब ये जो बदला हुआ इंडिया है, ये जो नया इंडिया है, जो खड़ा हो रहा है, जो काम कर रहा है, देखिए पैगोंग सो तो हमने रोडे बना ली, पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग, हम ऑल वेदर टनल्स बना रहे हैं, तो लद्दाख को हमने ऑल वेदर रोड से भी जोड़ने का काम हो रहा है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। हमने और टनल्स बना रहे हैं, मनाली पे हमारी टनल बन रही है, जो जोजीला पे टनल बन रही है, वर्ल्ड एशियाज लार्जेस्ट टनल जो है वो हम बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, जब हर चीज़ से डेवलपमेंट हो रही है और G20 के समिट वहाँ हो रहे हैं, तो ये बेचारे चीनी घबरा गए, इन्होंने नामकरण किया, नामकरण के तो MEE ने रिप्यूट कर दिया। आज उनका स्टेटमेंट, अगर अमित शाह जी वहाँ जाके भाषण दिया है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर लिया, करीब 5,000 करोड़ का प्रोग्राम है और करीब 2,000 विलेज कवर कीजिएंगे अराउंड LAC, जिसमें से 665 प्रायोरिटी में 455 विलेज उसमें से अरुणाचल में। अब ये जो चाइना को देख रहा है, देखिए चाइना का विंडो, अगर मैं आपसे पूछे आरजू जी, चाइना के पास विंडो 24 तक का, जिस दिन BJP 24 में जीत के आती है और मोदी जी आ रही है, उसके बाद कोई विंडो नहीं है। चाइना पूरी कोशिश करेगा कि इस दौरान कुछ ना कुछ कर ले, कोई छोटी मोटी जीत मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की विरोधी पार्टियाँ, जो अपोजिशन पार्टी है, वो लपक लेंगी इस चीज़ को, इसको मुद्दा बनाएंगी, कभी यहाँ अंबानी अडानी मुद्दा बनता है, कभी यहाँ कुछ मुद्दा बनता है, अब नए नए मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं। और ये मान के चलिए आरजू जी, ये 24 तक चल, ये 24 का इलेक्शन जब तक होता नहीं, फैसला नहीं होता, तब तक ये चलता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। पर इंडिया का स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, अमित शाह जी का जाना बिल्कुल सही था, वहाँ प्रोग्राम लॉन्च करना बिल्कुल सही है। हमारे वेदों पुराणों में जो हजारों साल पुराने हैं, जब तक अब चाइना, अब देखिए चीनियों की बात करें, सारे तो बुद्धिस्ट हैं,
अब बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म ही है ना, और तो कुछ है नहीं बुद्धिज्म। बुद्धा कौन थे, सिद्धार्थ वो कौन थे, हिंदू ही थे ना, बुद्धा भी वॉज बॉर्न एज ए हिंदू, राइट। सिद्धार्थ बुद्धिज्म और सिखिज्म आर आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म ओनली, ये कोई इब्राहिमिक रिलीजन तो है नहीं। तो उनको जितना भारत बढ़ रहा है, तो आरजू जी इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कल को लोग इसमें ज्यादा घुस गए तो क्या करेंगे। अब ये सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स ड्रामा के लिए ये कहते हमने इनका नाम बदल दिया, उनका नाम 4.5 साल पहले भी कुछ नाम बदले थे, पता नहीं बच्चों को क्या हुआ जिनका नाम बदला था। बिल्कुल, लेकिन सर मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि कई जगह पे चाइना और इंडिया साथ भी बैठ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया और कई दूसरी जो कह सकते हैं कि ग्रुप्स हैं, उसमें चाइना और इंडिया साथ साथ हैं, उसके बाद भी आपके ख्याल से ये इस किस्म की जो छोटी मोटी एक क्लैश चलती रहती है, इसकी क्या वजह है, ये क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा कि बिल्कुल पीसफुली दोनों कंट्रीज रहें, क्योंकि कई जगह साथ बैठे भी हैं, मुलाकातें भी हुई हैं लीडर्स की, वो भी हमने देखी थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले। जी देखिए आरजू जी, चाइना को आप समझेंगे तो चाइना में दो विचित्र चीजें हैं, जो सरकार है वो कम्युनिस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग चली थी 10-11 दिन या हफ्ता भर, वो नाटक देखा आपने, उसमें एक चीज आपको बताऊंगा, 200 लोग आए और बीजिंग के सेंट्रल हॉल में बैठ गए, सामने टेबल पे 10 बोरा बैठे थे। अब उसमें आपको 3 चीजें बड़ी अजीब मिलेंगी आपको, अगर आप वो वीडियो आज भी खोले, वो जो 200 लोगों को बिठाया गया था, ठीक है जी, न किसी के पास टेलीफोन है, न किसी के पास कंप्यूटर, न किसी के पास माइक है, तो वो पूरे 7 दिन या 11 दिन ऐसे बैठे, मतलब जैसे जैसे सर्कस में बंदरों को लाइन से बिठाया जाता है, वैसे उनको बिठाया गया था। मुझे बताइए, ना टेलीफोन, ना माइक, ना कंप्यूटर, तो वो बस ऐसे बैठे रहे। तो वो क्या थे, वो तो फिर वो तो मुझे लग रहा था वो एक्टर थे, उनको टाई वे लगा के बताया गया। ये आपको चाइना की रियलिटी बताता है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट भी देखो, लोगों के पास माइक तो है, कंप्यूटर तो है, मॉनिटर तो है, ना उनके पास फोन है, ना कंप्यूटर है, ना माइक है, तो वो वहां कर क्या रहे थे, बस ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे बेचारे। चाइना में पावर आती है कम्युनिज्म से, पर जो प्रॉस्पेरिटी जितनी भी आई है वो आई है कैपिटलिज्म से। कम्युनिस्ट अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपने आप को कंट्रोल में दिखाने के लिए इनको ये तमाशे ड्रामे करने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना के लोगों में मोदी जी को क्या करें, लेक्सिकॉन इमॉर्टल कहते हैं यार, ऐसा आदमी तो 1000 साल में एक बार आता है जो ह्यूमैनिटी को बदलने रखने की शक्ति रखता है। कहने को दो मुल्क है, पर दोनों होस्टाइल कंट्री है। हमारी आज अमेरिका तारीफ करे, चलिए वो हमारा दोस्त है, फ्रांस तारीफ करे, हमारा दोस्त है, अगर आपके होस्टाइल या दुश्मन कंट्रियों का जनसाधारण, पॉलिटिशियन की मैं बात नहीं करता, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल ऊंच नीच देखता, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करता, अगर जनसाधारण कॉमन मैन ये करा, देखिए हमारी दुश्मनी न पाकिस्तान के कॉमन आदमी से, न चाइना के कॉमन आदमी से, सही, हमारी प्रॉब्लम सीसीपी और शी जिनपिंग से। अगर आप हो चिंताओं को देखे और शी जिनपिंग को देखे, कंप्लीटली डिफरेंट लोग हैं ये, राइट। तो अगर वहां से तारीफें आ रही है, और अब मैं आपको तीसरी चीज बताऊं, आप जानते हो कि पाकिस्तान इज द 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान इंडिया और चाइना, कहने को 3 नाम है, एक उंगलियों पे गिन लिया मैंने 3 नाम, पर आरजू जी इसमें जादू है, इन 3 नामों में दुनिया की 45% आबादी भी तो है। अगर दुनिया की 45% आबादी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई इमॉर्टल कहता, कोई कहता पाकिस्तान को मोदी दे दो, और हम तो खैर कहते ही कहते हैं, तो अब ये जो चीज हो रही है, चाइना का अपॉर्चुनिटी विंडो क्लोज हो रहा है। जो अपॉर्चुनिटी विंडो चाइना के पास 2014 में था, वो 2024 में हो ही नहीं सकता। जितना चाइना को स्क्वीज कर रहे हो, फ्रेंडली ऑफशोरिंग हो रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं, आप देखिए हमारे अरुणाचल में यूरेनियम की माइनें भी है और हम चीजें ढूंढ रहे हैं, हमारे लिथियम मिला, अभी रेयर अर्थ मेटल्स मिले आंध्रा में, मुझे पता नहीं करीब 14 मिले, 16-17 होते यहाँ भी चाइना से इम्पोर्ट करते थे, शायद इसकी जरूरत ना पड़े। उड़ीसा में हमारे 2 गोल्ड की खदाने मिली है, बड़ी खदाने, और लिथियम तो हमें मिला ही है, लिथियम हमारा कुछ अरुणाचल में भी से हम ऑलरेडी कुछ माइनिंग कर रहे हैं, तो ये लिथियम तो अरुणाचल में, और फ्रेश वाटर सोर्सेस है, फ्रेश वाटर का भी सोर्स है। चाइना की जितनी ये विंडो बंद होती जा रही है आरजू जी, उतना वो नाटक नौटंकी और ड्रामा कर रहा है डोमेस्टिक कंपल्शन के लिए। मैंने कहा ना, मैं कल को बोलूं इस्लामाबाद के श्रीहरिनगर बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, इस्लामाबाद का नाम मैं प्रयागराज रख दूं, चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, इस्लामाबाद है, प्रयागराज है। तो आप अपनी जगहों का नाम बदले तो समझ आता है भाई, पड़ोसी के पोतों का नामकरण करने के लिए किसने बोला आपको, यार उनके घर वाले वो कर लेंगे, आप परेशान ना हो, बट आपकी फ्रस्ट्रेशन को ये दर्शाता है। दिस टॉक्स अबाउट हाउ हेल्पलेस एंड हाउ स्क्वीज चाइना इज, मैं इसको ऐसे देखता हूँ।
बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि कुछ घबराहट हो, जो इमरान खान कहते हैं आपने घबराना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है चाइना थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम ऐसे आपके लिए नई वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।